रोडवेज बस में बुजुर्ग व्यक्ति की जेब तराशते दो व्यक्तियों को गांव खासोली में पकड़ा, धुनाई कर किया पुलिस के हवाले। रोडवेज बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति की जेब काटने का प्रयास करते दो बदमाशों को लोगों ने गांव खासोली में पकड़ लिया और दोनों की धुनाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। सदर थाना पुलिस ने मंगलवार देर शाम दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाने के हेड कांस्टेबल संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने भादरा के 25 वर्षीय सुनील कुमार खटीक और 37 वर्षीय अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली कि दोनों आरोपी रोडवेज बस में एक व्यक्ति की जेब तराश का प्रयास कर रहे हैं। इस पर लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गांव खासोली में पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक सूचना मिली थी, कोई रोडवेज बस में जा रहे थे तो ये जेब तराशी की तलाश में थे, उसके फिराक में थे, लोगों ने पकड़ लिया इसको खासोली में, जिस पर मौके पर पहुंचे और इनको गिरफ्तार किया गया है। आगे की अग्रिम कार्रवाई जारी है। आरोपी सुनील है एक, तो एक अब्दुल सत्तार है, ये निवासी भादरा के हैं, वार्ड नंबर 24 के। अग्रिम अनुसंधान जारी है।